इंस्पेक्शन हुआ, उनके दिमाग में आया कि कौन हमारे यहाँ है जो कि घटिया आदमी है और जिसका स्तर इतना नीचा है जिसके साथ हम नहीं चल सकते हैं, उसके बिना आ रहे हैं। इसलिए बाबूलाल मरांडी जी का निश्चित तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी सर स्वागत करती है और आशा करती है कि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी जो है और आगे बढ़े। बाकी दोनों विधायक जो कांग्रेस में कुछ संदेश दीजिए। देखिए, एक विधायक यौन शोषण का आरोपी और यौन शोषण का आरोपी वो इतना है कि अभी मुझे जगह जगह से खबर आ रही है। आपको पता है कि मेरे खिलाफ पार्टी आई, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है, कोई रजिस्ट्री ऑफिस जा रहा है, मतलब बुरी स्थिति है। वो पागल हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस पार्टी में जा रहा है नहीं जा रहा है। आपको जानकारी दे दूं कि 2 फरवरी को पूरी गाड़ी वाड़ी सब बुक हो गई थी कि दुमका में जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन करेगा, लेकिन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन नहीं हुआ तो अंगूर खट्टे हैं। मैंने अभी देखा वो योगिनीमय स्थान से बयान आया कि तेज आदमी की जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा में आवश्यकता नहीं है। अरे लोगों को ये सोचना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि जिस संघ परिवार ने उस आदमी को विधायक बनाया, उस आदमी को महामंत्री बनाया, उस आदमी को मंत्री बनाया, वो संघ परिवार का नहीं हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी का। यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो उस व्यक्ति का अस्तित्व क्या होता? जगदम्बी यादव वही मैं कह रहा हूँ। उसके बाद बाबूलाल मरांडी जी को भारतीय जनता पार्टी से निकालने में उस आदमी का योगदान रहा। लगता था भारतीय बाबूलाल मरांडी जी से ज्यादा बड़ा अभिभावक कोई नहीं है, लेकिन जब उन्हीं के प्रवक्ता के साथ यौन शोषण कर लिया और बाबूलाल मरांडी जी का ये बयान आ गया कि उसने रिंकी झा ने जो है मुझे अप्रोच किया था और जो वो कह रही है वो सही है, तो उनको लगा कि अब मैं कैसे बचूंगा, तो इसमें आ गए। अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी, उनको यौन शोषक ही चाहिए, तो भगवान मालिक है इस कांग्रेस पार्टी का। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि जिस दिन प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हुआ 10 विधायक कांग्रेस के मेरे टच में हैं और उसी दिन ये सरकार गिरा दूंगा।